हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ CTET से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज मैं मिनरल्स के बारे में, वाटर, विटामिन्स और रफेज के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें और लगातार मैं आपको तैयारी कराता रहूँगा। और दोस्तों, आज के टॉपिक से लगभग लगभग आपके 40 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे, इसलिए आप इसे अच्छी तरह देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिनरल्स स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज लवण। तो देखिए, धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। तो हमारी बॉडी का 6.1% जो भाग है वो मिनरल्स के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, खनिज लवण शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ हैं। तो ये रॉ जो मटेरियल है ऊतकों के निर्माण के लिए, ये इसका कार्य करते हैं। और एंजाइम तथा विटामिन के आवश्यक अंग हैं। एंजाइम और विटामिन को बनाने के लिए भी लवण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सॉल्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दीर्घ तत्व, मेजर एलिमेंट, और एक होता है अल्प तत्व या फिर ट्रेस और माइनर एलिमेंट। तो देखिए, दीर्घ तत्व क्या होते हैं? इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे लवणों को हम लोग दीर्घ तत्व कहते हैं। जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हमारे दीर्घ तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्प तत्व, माइनर एलिमेंट्स। इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स देखिए, आयोडीन, लौह यानी कि लोहा, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम और सिलीनियम। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी कम आवश्यकता होती है, तो इसे हम लोग माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए, विटामिन्स पे आते हैं। तो देखिए, विटामिन शब्द कैसिमीर फुंक ने प्रतिपादित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस साइंटिस्ट ने विटामिन शब्द को दिया था, तो कैसिमीर फुंक ने इसको सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट देखिए, विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये। इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक होती है। तो इसके लिए विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिन स्वयं ऊर्जा का उत्पादन नहीं होते, यानी कि खुद ऊर्जा उत्पादित नहीं करते, किंतु ऊर्जा संबंधित रासायनिक क्रियाओं को, केमिकल रिएक्शन को नियंत्रित करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम भी विटामिनों का होता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण करता है, यानी कि विटामिन डी और के को बनाता है, जबकि अन्य जो विटामिन होते हैं वो बाह्य स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिए हो कि विटामिन डी और के ऐसे दे रखा हो, और पूछे कि निम्न में से बताइए कि कौन सा विटामिन शरीर द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो विटामिन डी और के, ये दोनों जो विटामिन हैं वो शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, बाकी के जो विटामिन होते हैं वो बाहरी स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिनों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो इस तरीके से दो पार्ट में आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर पे आते हैं, जल। तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ है, और मानव शरीर का लगभग 70-85% जो भाग होता है इसी जल के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यह पसीने एवं बाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है तथा पाचन
परिवहन और उत्सर्जन में सहायक होता है। तो ये तीनों प्रोसेसेस में ये जो वाटर है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखिए, इसके मुख्य स्रोत उपापचय जल, तरल भोजन, पीने का जल, इन सबसे हमें ये जल मिलता है। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो ये केमिकल रिएक्शन में आयोनाइजेशन होके भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखिए, जल की कमी से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर किसी को ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह होती है, वॉमिटिंग होती है, तो उसका डिहाइड्रेशन उसको हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोटा चारा यानी कि रफेज। तो देखिए, इसका पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ यानी कि फाइबरस मटेरियल होता है, फाइबर होता है इसमें, तो ये मोटे चारे की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, यह शरीर की वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मोटे चारे से शरीर की वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसका पाचन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। तो अधिक मात्रा में ये भोजन में लिया जाता है जिससे कि डाइजेस्टिव पावर अच्छी हो। नेक्स्ट देखिए, इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत और सब्जियां और दालें होती हैं। तो ये दालें, अनाज इसका मुख्य स्रोत होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके चारों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे भी मैं लगातार आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।